हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल अंबे किचन में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं शुगर कैरेमल ब्रेड पुडिंग, वो भी बिना ओवन और बिना एग के। तो चलिए हम बनाते हैं। कैरेमल बनाने के लिए हमें 1/3 कप शुगर चाहिए और उसे लो फ्लेम पे डाल करके धीरे धीरे उसे चलाते रहेंगे जब तक कि थोड़ी थोड़ी मेल्ट ना होने लगे। ध्यान रहे फ्लेम लो ही रहे, नहीं तो शुगर जल जाएगी और उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहेगा, इसलिए फ्लेम को लो ही रखें। और जब तक वो मेल्ट हो रहा है तब तक 3 ब्रेड के स्लाइस ले लेंगे और उसे हम मिक्स जार में डाल करके उसका पाउडर बना लेंगे। तो देखिए हमारा फ्रेश ब्रेड क्रम्स रेडी है। तब तक हम एक मोल्ड रेडी कर लेंगे। मोल्ड रेडी आप चाहे तो छोटे छोटे बाउल में भी रेडी कर सकते हैं, नहीं तो आप एक साथ ही कोई एक बर्तन में रेडी कर लीजिए। हमारे पास ये एक पतीला है छोटा सा, उसमें हमने घी लगा करके या ऑयल या बटर कुछ भी लगा करके एक पेपर रेडी कर लीजिए। अगर आपके पास बटर पेपर है तो वही डाल दीजिए। और इधर देखिए हमारा कैरेमल रेडी हो रहा है। अब जब ये थोड़ा मेल्ट होने लगे तो उसे पैन को ऐसे रोटेट करते रहिए जिससे अंदर वो जले नहीं और इक्वल मात्रा में वो हो जाए। अब देखिए हमारा कैरेमल रेडी हो गया है और हमारी जो बोल है उसमें हम उसे ट्रांसफ़र कर लेंगे, पूरी तरह उसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये देखिए हमारे कैरेमल का कलर कितना अच्छा आया है। और उस बॉल को भी उसे थोड़ा रोटेट करके पूरी तरह हम उसे फैला लेंगे। अब उस पैन में ही हम पुडिंग बनाने के लिए 1/2 कप शुगर पाउडर लेंगे, 2 कप मिल्क लेंगे, 2 टेबल स्पून हम कस्टर्ड पाउडर लेंगे। आप चाहे तो कॉर्न फ्लोर में भी बना सकते हैं, पर हमारे पास कस्टर्ड पाउडर है और ये डालेंगे तो इसका टेस्ट और कलर दोनों ही बहुत ही अच्छा आएगा। इसलिए अब हम तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे जिससे कोई लम्स ना रहे या नीचे पैन में नहीं बैठे पाउडर। उसको अच्छे से पूरी तरह पहले हम मिला लेंगे ऐसे घुमाते हुए जो कहीं भी नहीं लगे और जो हम फ्लेम पे डालें तो वो जले नहीं, इसलिए अच्छे से बिना कोई लम्स के हम इसको मिला लेंगे। आप इसके लिए मिक्सर या कोई भी स्पून से आप इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अब इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे हम पकाएंगे। ध्यान रहे इसे आप लगातार चलाते रहें, नहीं तो नीचे से ये जल जाएगी। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा या गर्म होगी वो गाढ़ा होने लगेगा, इसलिए हम इसे कंटिन्यू चलाते ही रहेंगे और फ्लेम को हाई ना रखें, मीडियम पे ही रखें। अब देखिए हमारी जैसे वो पक गई है अच्छे से और एक लेयर सी रेडी हो गई है। हमारे स्पैचुला में देख रहे हैं एक लेयर सी बन गई है। हमने जो अब ब्रेड क्रम्स रेडी किए थे उसमें थोड़ा थोड़ा सा हम डालते रहेंगे, एक साथ ना डालें नहीं तो गुठलियाँ बन जाएंगी और आप नहीं उसे संभाल पाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा डालें, 2 से 3 स्पून डालें और उसे अच्छे से मिक्स कर लें। और इस टाइम अपनी फ्लेम को लो कर दें और उसे मिलाते रहें, अच्छे से मिलाते रहें। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो और भी हम ब्रेड क्रम्स इसमें डालेंगे, 2 से 3 स्पून, और फिर उसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे थोड़ा थोड़ा करके ही डालते रहिए और फ्लेम को लो रखें, उसको अच्छे से मिक्स करते रहें। कहीं भी ध्यान रहे कहीं भी कोई भी लम्स या गुठलियाँ ना पड़े, कहीं साइड में ना चिपके, उसको अच्छे से ध्यान में रखते हुए 2-3 बार ऐसे करके डालें और मिक्स कर लें जब तक कि वो पेस्ट उसका गाढ़ा ना हो जाए। जब वो पेस्ट उसका गाढ़ा होने लगेगा तो उसे हम ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। जैसे हम ब्रेड क्रम्स डाल दिए सारा, देखिए हमारा पेस्ट रेडी होने लगा है, इसे हम बहुत ज़्यादा अब नहीं पकाएंगे। इसका ध्यान रहे इस टाइप्स की होनी चाहिए बैटर, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। देखिए हमारा बैटर पूरा रेडी हो गया है। अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे वो जो हमने मोल्ड रेडी कर दी थी जिसमें हमने कैरेमल डाल दिया था उसमें इस बैटर को हम ट्रांसफ़र कर देंगे।
देखिए हमारा इस तरह, याद रहे इस तरह से बैटर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गीली या बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। हमारी बैटर रेडी हो गया है, तो चलिए हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इसे स्टीम करने के लिए एक, और हाँ इसे स्पूचला से इसे अच्छे से टैप टैप कर दीजिए, जिससे ये बराबर हो जाए, कहीं भी ऊपर या नीचे ना रहे या इसमें किसी तरह का बबल्स ना आए। और ये देखिए एक पतीला में हमने 2 गिलास पानी डाल के उबाल दिया था ढक के। जब एक उबाल आ जाए तो फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और उसमें यही मोल्ड को डाल करके 35 से 40 मिनट तक के लिए उसे भूल जाइए। हाँ हो सकता है आप में थोड़ा सा फ्लेम की वजह से थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लगे, तो किसी भी टूथपिक से आप इसे चेक कर सकते हैं। और जब रूम टेम्परेचर पे हो जाए तो इसे फ्रीज में 3 से 4 घंटे के लिए रख दीजिए, और देखिए तब उसे निकाल करके उसे डीमोल्ड कर लीजिए। तो हमारा देखिए कितना अच्छा एगलेस पुडिंग तैयार है, और हम इसे अब आपको काट के दिखाते हैं ये कितने अच्छे से पक गया है। तो दोस्तों आप अपने फ्रेंड के साथ खाइए, बनाइए, खाइए और सबके साथ शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ 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 कर दीजिए। हमारा चैनल नया है, आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखा ये पुडिंग पूरी तरह से रेडी हो गया है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।